आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बुंदेलखंड के केंद्र सागर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आने वाली 24 अप्रैल को सागर के उपनगर मकरोनिया के वर्तमान क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के संबंध में आज कार्यक्रम स्थल पर ही एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा चुनाव में सागर सीट से क्लस्टर प्रभारी नरोत्तम मिश्रा, भाजपा सागर जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह, नरियावली विधायक प्रदीप लारिया और सागर विधायक शैलेंद्र जैन के साथ साथ कई अन्य भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। बता दें कि इससे पहले भी सागर के बर्तवा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी संत रविदास मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सागर में इसी स्थान पर मोदी एक बार फिर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। विश्व के हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 24 तारीख को सागर में पधार रहे हैं, उस संबंध में एक कार्य की दृष्टि से बैठक कार्यस्थल को देखना जो आप भी देख रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में जीतने के लिए जा रही है और सागर में भी लाखों वोटों से जीतेंगे। माननीय प्रधानमंत्री तो सुबह करें आए और जीते। बताइए, एक बार फिर इसी जगह पे प्रधानमंत्री आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, विश्व के वैश्विक नेता हम सबके बीच में 24 तारीख को पधारने वाले हैं और जहां तक बुंदेलखंड की बात करें तो उनकी काफ़ी बुंदेलखंड वासियों के लिए काफ़ी सौगात है। 50,000 करोड़ रुपये अकेले बीना में दिया है कैनवेत व लिंक परियोजना। हमारे यहाँ रविदास मंदिर के भूमि पूजन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। एक बार पुनः 24 तारीख को हमारी लोकसभा की लोकप्रिय प्रत्याशी लता वानखेड़े जी के समर्थन में जनसभा करेंगे और हम लोग देख रहे हैं कि लगातार कार्यकर्ता इस आम सभा के लिए तैयारी कर रहा है, लोगों से आह्वान कर रहा है और जनमानस में भी मोदी जी के प्रति आकर्षण है और मुझे लगता है कि लोग 24 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। क्या विशेष तैयारियां? आज तैयारी को लेकर हमारे जिलाध्यक्ष जी अभी नरोत्तम मिश्रा जी आए थे, भूपेन्द्र जी, शैलेंद्र जी, सब लोग आए, देखा है। इस स्थल पर पहले भी प्रधानमंत्री जी ने रविदास मंदिर का भूमि पूजन किया था तो यहाँ पर तैयारी पहले से भी हम लोग करके रखे थे और अभी भी जो कमी बेशी है इसको पूरी करेंगे और पूरी विस्तृत बैठक कल होगी और आने वाले उसमें हम लोग पूरी तैयारी के साथ इस आम सभा को सफल बनाएंगे।